गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ वर्धमान. ओके, सो टुडे वी विल स्टडी लेसन नंबर 6, एडजेक्टिव. 5 लेसन्स वी हैव स्टडीड इन द अर्लियर क्लासेस. नाउ वी विल स्टडी अबाउट एडजेक्टिव. एडजेक्टिव होता क्या है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे. एज वेल एज यू आर इन द लोअर क्लासेस, सो इन योर क्लास काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स आर नॉट गिवन. हियर एडजेक्टिव के काइंड होते हैं, जैसे नाउन के काइंड होते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, लाइक दैट एडजेक्टिव में भी जो है काइंड्स होते हैं. बट इन योर क्लास नॉट गिवन द काइंड्स, बट आई विल एक्सप्लेन ऑल द काइंड्स, क्लियर. बट व्हेन यू विल कम इनटू द नेक्स्ट क्लास, यू विल स्टडी ईच एंड एवरी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. जैसे मोटा है, पतला है, ये जब जो विशेषताएं बताने वाले शब्द होते हैं, नॉर्मली हम उन्हें एडजेक्टिव कहते हैं, विशेषण कहते हैं. तो एडजेक्टिव का मीनिंग क्या हो गया, एडजेक्टिव का मीनिंग हो गया विशेषण. क्या हो गया, विशेषण. द वर्ड्स विच डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, वॉट विल बी द डिफाइन, शॉर्ट डिफाइन. हियर इज द गिवन लॉन्ग डिफाइन, डोंट राइट दिस डिफाइन इन द एग्जाम. ओके, इफ यू आर एबल देन यू मे राइट, बट यू मे राइट द शॉर्ट डिफाइंस ऑल्सो. वॉट इज द डिफाइन, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव. वॉट, रिपीटिंग आई एम दैट, Describing words are called adjective. जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं. ओके, लेकिन विशेषता किन शब्दों में बताएंगे, डिटेल्स में समझने के लिए डिफाइन है. द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द काइंड, काइंड मीन्स प्रकार, आदमी का, ठीक है, मोटा है, पतला है, अच्छा है, बुरा है, क्रूल मतलब हिंसक है, काइंड मीन्स दयालु है, तो ये तो हो गया काइंड. तो क्या कर रहा है, उस आदमी के बारे में बता रहा है. जो शब्द मैंने अभी रिपीट किए, कैसे कर दिए, कि काइंड मीन्स दयालु, फैट मीन्स मोटा, थिन मीन्स पतला, तो ये सारे शब्द जो है नेचर बताते हैं आदमी का, आदमी का टाइप बताते हैं, या किसी व्यक्ति के, किसी नाउन के, या किसी प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, दैट आर नोन एज एडजेक्टिव. तो वो एडजेक्टिव हो गए क्रूल, काइंड, फैट, थिन. नंबर 2 इज कलर. कलर, रेड, ब्लू, पिंक, व्हाइट, येलो, ऑरेंज, दीज ऑल कलर्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव. ये सारे एडजेक्टिव होंगे. अगर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, आई हैव 2 पेन, ठीक है, आई हैव अ ब्लू पेन, तो ब्लू क्या होगा, एडजेक्टिव होगा. क्या होगा, एडजेक्टिव. सारे कलर्स एडजेक्टिव होते हैं, डोंट फॉरगेट, क्लियर. नंबर 1, 2, 3, 4, सम, लिटल, यस, ये भी एडजेक्टिव है, ठीक है. एडजेक्टिव ऑफ नंबर और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटीज होंगे. आई हैव 2 पेंसिल, 4 बाइक्स, 2 साइकिल्स, तो ये नंबर बता रहे हैं किसी संख्या का, किसी नाउन की नंबर्स बता रहे हैं कि कितनी है, तो वो भी एडजेक्टिव होता है. शेप, रेक्टेंगुलर होता है, सर्कल शेप में होता है, तो उस वस्तु के बारे में बताएगा, या जो भी वस्तु है, तो वो वस्तु क्या हो गई, नाउन हो गई. तो नाउन के बारे में बताए या प्रोनाउन के बारे में बताए, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं. तो चाहे वो सर्कुलर शेप में हो, चाहे वो रेक्टेंगुलर शेप में हो, कोई भी कलर हो, रेड, ब्लू, पिंक, विशेषता बता रहा है या उस वस्तु के बारे में बता रहा है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. और क्या क्या होता है, एनी क्वालिटी, गुड, बैड, स्पाइसी, टेस्टी, डिलीशियस, ठीक है. खाना जो होता है वो अच्छा या बुरा नहीं होता है, खाने के लिए हम लोग प्रिस्क्राइब अप्रोप्रिएट वर्ड्स होते हैं. द फूड इज़ वेरी डिलीशियस, फूड इज़ टेस्टी, दिस इज़ वेरी सेल्टी, बहुत नमकीन है, नमक ज़्यादा है इसके अंदर. तो हर एक चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए सम ऑफ द अप्रोप्रिएट वर्ड्स आर देयर, सो वी हैव टू यूज अकॉर्डिंग टू दैट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द डिफाइन ऑफ एडजेक्टिव. आई एम रिपीटिंग, द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द काइंड, कलर, नंबर, शेप, or any quality of a noun or a pronoun in a sentence is called adjective. उसे हम adjective कहते हैं. Short define में आप लिख सकते हैं, listen to me carefully, describing words, क्या कहेंगे, describing words are called adjective, ठीक है. Now we will study about the exercise number 1 which is given in your book. How to solve that exercise, let me explain. Here you have to find out the adjective in the questions. Okay, I'm writing my own sentence. Ram is a good boy. Ram is a good boy. तो मैंने आपको क्या बताया, जो noun, pronoun किसी के बारे में बता रहा है, तो जो चीज है, जो words है किसी के बारे में बता रहा है, वो adjective कहलाता है. तो यहाँ ये किसी का नाम है, ये noun है, और नाउन की जगह एक वर्ड यूज किया हमने, ये प्रोनाउन है, ठीक है.
हियर सी ही इज वेरी नॉटी बॉय. तो ये जो नॉटी वर्ड है, गुड है, बैड है, ये दीज वर्ड्स आर एडजेक्टिव. ये वर्ड्स क्या कहलाएंगे? एडजेक्टिव कहलाएंगे. हियर इन द एक्सरसाइज ऑल्सो नंबर वन गिवन द फ्लोर इज स्मूथ. द फ्लोर इज स्मूथ. जो फ्लोर है, फर्श जो है वो बहुत ही स्मूथ है. तो स्मूथ वर्ड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा. फ्लोर के बारे में जो वर्ड है क्या डिस्क्राइब कर रहा है? कि वो बहुत ही स्मूथ है. ओके, नंबर टू, द गंगा इज अ हॉली रिवर. गंगा रिवर का नाम है, रिवर भी नाउन है और हॉली. अब उसके बारे में बता रहा है कि वो एक धार्मिक रिवर है, हॉली रिवर है. तो द वर्ड हॉली विल बी सर्कल. हॉली वर्ड क्या हो जाएगा? सर्कल हो जाएगा. ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल द एक्सरसाइज नंबर वन. हॉली वर्ड सर्कल करेंगे और ऐसे ही सारे वर्ड्स को सर्कल करना है विच आर एडजेक्टिव. अंडरस्टैंड बॉयज? नंबर टू एक्सरसाइज, गिवन बिलो द फ्यू नाउन्स सप्लाई अ सुटेबल एडजेक्टिव टू देम. यहाँ बहुत सारे नाउन्स दिए गए हैं. क्या दिए गए हैं? बहुत सारे नाउन्स दिए गए हैं एंड यू हैव टू अप्लाई सुटेबल एडजेक्टिव इन फ्रंट ऑफ देम. लेट्स सी. सो वॉट टू डू? I'm writing some of the questions for you and you have to solve out in your notebook. And listen to me, these are the such types of questions in which your and my answers may be different, but that must be correct. Clear? Like I'm writing here an example, man. So man kaisa ho sakta hai? Man cruel bhi ho sakta hai aur kind man bhi ho sakta hai. Ek dayalu vyakti bhi ho sakta hai aur ek cruel man bhi ho sakta hai. So I'm saying that kind, but according to you, the answer may be different. So, don't think that sir has explained the another word in the video, but you have to write on your own. That is the reason I'm not writing all the answers. Okay? So, examples. King, pen. King is word given. Pen. City. ठीक है. Metro city. Pen. ब्लू पेन, रेड पेन, पॉइंटेड पेन, जेल पेन, कुछ भी लिख सकते हो, बट दैट मस्ट बी अप्रोप्रिएट. क्लियर? किंग, अ वेरी काइंड किंग, अ ग्रेट किंग, बहुत बड़ा महान राजा था. ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर टू इज ऑल्सो क्लियर हियर. नंबर थर्ड इज ऑल्सो फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स एंड यू हैव टू अप्लाई द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस गिवन ऑन द टॉप. द फॉक्स इज एन. ऑप्शंस आर गिवन, डर्टी, फैट और नैरो. देखिए पहले वर्ड्स के, जब हम लोगों को जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इफ वी नो द मन मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स देन वी आर एबल टू राइट ऑल द आंसर्स. फैट, नैरो, डर्टी, फैट, नैरो, टॉकेटिव, लॉन्ग एंड ज्यूसी. टॉकेटिव एंड ज्यूसी. अब जूसी वर्ड आते हैं, जूस, जिसका हम लोग जूस निकालते हैं, तो किसका निकालेंगे? फ्रूट्स का निकालते हैं. जूसी फ्रूट से रिलेटेड ही वर्ड हो सकता है. नैरो मतलब संकरा. संकरी क्या होती है? गलियां होती है, स्ट्रीट्स. ओके, फैट मोटा, डर्टी क्लोथ्स होते हैं. ठीक है, क्लोथ भी होते हैं और दूसरी भी हो सकती है, रूम्स भी डर्टी हो सकता है, बट सुटेबल वर्ड. टॉकेटिव, टॉकेटिव मीन्स जो ज़्यादा बोलता है. तो ज़्यादा कौन बोलेगा? अ पर्सन. ठीक है, तो यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात हो रही है. Long, cunning and cloudy. Long, the next word is long, cunning and cloudy. Badal wala. Cloud means badal, cloudy. So these are the option. But how you will do that? Let's see. Option number one. The fox is a एनिमल. एंड एज यू नो द कनिंग फॉक्स है, चालाक लोमड़ी है. आपने कहानी सुनी है, जानवर कैसा होता है, तो उसके बारे में दिया होता है कि भाई ये कनिंग फॉक्स, इट इज नॉन एज कनिंग. लोमड़ी जो है चालाक नेचर के लिए जानी जाती है. ठीक है, लेकिन देखिए जूसी है नहीं, नैरो वर्ड है, फैट है, टॉकेटिव नहीं है. दो सुटेबल वर्ड्स यहाँ है, अगर आप अप्लाई करोगे तो यू विल ईजिली अंडरस्टैंड द विच वर्ड विल सूट हियर. क्लियर? तो द फॉक्स इज क्या होगा? कनिंग एनिमल, चालाक जानवर है. In this way, you have to write all the exercises given in the book. Clear? Then after, if you have any doubt, match with my answers. Okay? Thanks.